सुमित पुदलकर भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। उनका कौशल सिर्फ अभिनय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित नर्तक भी है। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें सभी से खूब सराहना मिली है और अपने करियर जीवन के दौरान उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। उन्हें मुख्य रूप से पहले धारावाहिक दिल दोस्ती डांस में निभाई गई भूमिका के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने चक्रवर्ती अशोक सम्राट में भी अभिनय किया है, जिससे वह राधा कृष्णा के रूप में दिखाई दिए। युवा अभिनेता ने अपना मराठी डेब्यू डांस इंडिया डांस 4 भी किया है, जो 2013 में प्रसारित हुआ था। 2014 में सुमित ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की और दिल दोस्ती डांस से डेब्यू किया, जिसमें वह राघव उर्फ राजेंद्र प्रताप के रूप में दिखाई दिए। 2015 से 2016 तक वह भारतीय ऐतिहासिक नाटक चक्रवर्ती अशोक सम्राट में दिखाई दिए, जिसमें वह भगवान कृष्णा के रूप में दिखाई दिए और एक नकारात्मक भूमिका निभाई। इसके बाद 2017 में उन्हें रियलिटी टीवी शो झलक दिखला जा 9 में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लिया। 2018 में वह राधा कृष्णा में दिखाई दिए, जिसमें वह भगवान कृष्णा के रूप में दिखाई दिए और ये स्टार प्लस पर प्रसारित हो रहा था। 2019 में सुमित ने नच बलिए में दिखाई दिए और जग जगननी माँ वैष्णवी देवी में भी प्रदर्शन किया, जबकि इसे स्टार भारत पर प्रसारित किया गया था। 2020 में वह जय देवासी गणेश में अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा उन्हें वेंटिलेटर जो 2016 में रिलीज हुई थी, माजा जो 2017 में रिलीज हुई थी सहित फिल्मों में काम किया और ये एक मराठी फिल्म थी जिसमें वह मुख्य अभिनेता के रूप में दिखाई दिए। 2018 में उन्होंने फिल्म बापेट के लिस्ट में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें संस्कृति बालकुंडे के साथ एक मराठी संगीत वीडियो बेखबर काशी तू में अभिनय किया। विभिन्न पुरस्कार और सम्मानों के बीच उन्हें श्रुति माचे द्वारा बीट किंग का खिताब भी जीता है। 2019 में सुमित मुदलकर को उनके शो राधा कृष्णा के लिए उनकी साथी कलाकार मल्लिका सिंह के साथ सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन जोड़ी की श्रेणी में इंडियन टेली अवार्ड से सम्मानित किया गया है।